हेलमेट के बगैर नई मोटरसाइकिल बेचने पर पाबंदी, नई मोटरसाइकिल फरोख्त करने वाले हेलमेट भी साथ देना होगा। लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया, बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल फरोख्त ना की जाए। जस्टिस अली अकबर कुरैशी। पंजाब में 190 अरब रुपए की 370 तरक्याती स्कीमों में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी समेत 26 इजला की स्कीमें शामिल। सड़कों गलियों की तामीर और मुरम्मत में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल हुआ, ठेकेदारों को सारे पैसे मिल गए। फंड्स क्लियर करवाने में मुबैना तौर पर महकमा बल्दियात, मवासलात और दीगर इंतजामिया मुलविस रही। जराए गुज़श्ता बरसों में घपलों से मुतालिक रिपोर्ट्स आ रही हैं। महकमा बल्दियात इस्लाम दुश्मनों को पता है कि उम्मत मुसलमा का इस दुनिया पर राज होगा, तभी फिरका वारियत के जरिए लड़वाने की साजिशें की जाती हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी एक अजीम सूफी शख्सियत थे, इनकी तालीमात हमारे लिए मशल राह हैं। वजीर इत्तला'आत फयाजुल हसन चौहान का तकरीब से खिताब। न जल्द करवाने का झंझट, ना ही कागजात खराब होने का डर। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन बुक खत्म, आज से स्मार्ट कार्ड चलेगा। एक्साइज ऑफिस में कंप्यूटराइजेशन मशीन पहुंच गई, रोजाना 20,000 स्मार्ट कार्ड तैयार किए जा सकेंगे। 530 रुपए फीस। नई रजिस्ट्रेशन के साथ साथ पुरानी रजिस्ट्रेशन बुक्स तब्दील करने के ख्वाहिशमंद शहरी भी स्मार्ट कार्ड हासिल कर सकते हैं। स्मार्ट कार्ड कैसे हासिल करें, फॉर्म भी जारी कर दिया गया। एक लाख 93,000 कनाल अराजी स्कैंडल का मामला, नामजद मुलजिम अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? 3 माह गुजर गए, सिविल अदालत ने अब तक फैसला क्यों नहीं दिया? हाईकोर्ट के जस्टिस अली अकबर कुरैशी बरहम, पुलिस, सेशन जज और सिविल जज से रिकॉर्ड तलब। खोकर पैलेस के बिलमुकाबिल सरकारी अराजी पर कब्जे का मामला, एलडीए का जौहर टाउन में ऑपरेशन, सैकड़ों केनाल सरकारी अराजी वागुजार करवा ली गई। फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर ब्लॉक में वाकया 1,000 केनाल अराजी, बजाहिर नजर आने वाली झुग्गियां कीमती सरकारी अराजी पर कब्जा करने की आड़ में पहले मरहले के तौर पर लगाई जाती हैं। एलडीए बासर अफराद को झुग्गियों का किराया अदा करते हैं। रिहायशी तजावुजात और कब्जा माफिया से कोई रायत नहीं, मिशन क्लीन लाहौर जारी। अलामा इकबाल बाजार, धर्मपुरा में ग्रैंड ऑपरेशन, छोटी और बड़ी तजावुजात का सफाया। तजावुजात खत्म ना करने वाले एक सर्विस स्टेशन और 9 दुकानें सील कर दी गई। महकमा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने असातिजा के सामने घुटने टेक दिए, माह दिसंबर में असातिजा के शेड्यूल ट्रेनिंग मुलतवी। सूबे भर में ट्रेनिंग 24 दिसंबर से शुरू होनी थी कि असातिजा ने ट्रेनिंग को रुकवाने के लिए एहतजाज की कॉल दे दी थी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने जरई तरक्याती बैंक के इस्लामी बैंकिंग सेटअप का इफ्तिताह कर दिया। सदर जरई तरक्याती बैंक शेख अमानुल्ला और दिगर की तकरीब में शिरकत। पंजाब की रुई की पैदावार सिंध से भी कम होती जा रही है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर। डिग्रियां इकट्ठी होती जा रही हैं, नौकरियां नहीं हैं। मुल्क में बेरोजगारी में इजाफा होता जा रहा है। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने भी मान लिया, कहते हैं एक दफा सबको मिलकर काम करना होगा। जिसे यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठा लिया। लाहौर रजिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने इनसे हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार समेत लाहौर रजिस्ट्री के सीनियर हुकाम शरीक हुए। इधर सर्दी में इजाफा, उधर गैस में कमी, कहीं सुई गैस का प्रेशर कम तो कहीं बिल्कुल बंद। एलपीजी माफिया ने अलहदा लूट मार मचा रखी है, शहरी दोहरी जियत का शिकार हैं। क्या एहतजाज, किसने कितना माल बनाया, सरकारी मुलाजमीन के गिर्द घेरा तंग, ऑडिट होगा। एफबीआर ने पंजाब यूनिवर्सिटी, वापडा, रेलवे, इरिगेशन, पीटीसीएल समेत दीगर इदारों के 521 सरकारी मुलाजमीन को नोटिसेस जारी कर दिए। तमाम सरकारी मुलाजमीन की असासों की तफसीलात तलब कर ली गई। जराए
शहर की 5 आरजी पनागाहें बेअसरा अफराद के लिए नेमत। 22 नवंबर से अब तक 5000 से ज्यादा अफराद ने कायम किया अच्छा नाश्ता और खाना घर जैसा माहौल फराहम किया जा रहा है। जिला इंतजामिया ने पनागाहों में आकर कायम करने वाले अफराद की रिपोर्ट जारी कर दी। पनागाहों पर पूरी तवज्जो दी जा रही है। डीसी सालिहा सईद। लवारिस लाशों की तादाद में इजाफा। म्यो अस्पताल मुर्दा खाने में ताफुन फैलने लगा। एक माह में नामालूम लाशों की तादाद 15 हो गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन विंग लाशों की शनाख्त करने में नाकाम। शहर में चोर बेलगाम, शहरी गैर महफूज। थाना मिलत पार्क की हदूद में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात। दो चोर शहरी रजाक के घर के बाहर से मोटरसाइकिल ले उड़े। सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज को मौसू। श्रीलंका एशियन चैंपियनशिप जीतने वाली रस्साकशी टीम वतन वापस पहुंच गई। लाहौर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। और वकील भी क्लीन बोल्ड होंगे, चौके छक्के लगाएंगे। लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह कर दिया गया। टूर्नामेंट 20 दिसंबर तक जारी रहेगा।